मुझे लगता है ये बहुत ही अमेजिंग इनिशिएटिव है और हमारे लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि हमें यहाँ आने का मौका मिला। थैंक यू ZeeTV हमें यहाँ बुलाने के लिए। और ऐसा मौका बहुत ही कम आता है और हम बहुत लकी हैं जो हमें चांस मिला कि हम यहाँ आके पापा के दर्शन करें इतने अच्छे से वो भी, और आरती करें। ये वहाँ खड़े होके, पंडाल में खड़े होके आरती करना वो फीलिंग ही डिफरेंट है। और मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगी जो भी अभी तक परेल नहीं आया है प्लीज परेल चला जाए, आइए, प्लीज आइए। यहाँ बहुत आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी और जो हमने महसूस किया है वो आपको भी करना चाहिए। एक के बाद एक सीरीज हमें बहुत खुशी हो रही है और बहुत सरियल मोमेंट है क्योंकि एक्चुअली मैं जब भगवान जी के पास जाती हूँ ना तो मैं उनसे कभी कुछ मांग नहीं पाती। जब मैं देखती हूँ उन्होंने, मैं बस देखती ही रह जाती हूँ। आप अपने वो सोच नहीं पाते मांगने के आए थे, जब आप निकल जाते हो तब रियलाइज होते हैं कि यार हम ये बोलना भूल गए। हाँ तो वही हो गया है मेरे साथ अभी, क्योंकि वो इतने ग्रैंड है ना कि आप बस उनको देखते ही रह गए। और हमें बस आरती करने का मौका मिला है, आई थिंक इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। और आई स्वेयर मतलब जो हम बता रहे हैं ना उससे हमने इनटू 10 फील किया है। बहुत मेजर ड्रामा और बहुत मेजर ट्विस्ट एक्सपेक्ट कर सकती है शो से, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है भाग्य लक्ष्मी में जो अब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो प्लीज आप लोग बिल्कुल, हमने आज ही ये बात की थी कि ये शो अब एकदम ही अलग ट्रैक पे चला गया है और ऐसा कभी भी नहीं हुआ है इस पूरे शो में, इंटायर जर्नी में अब जो होने वाला है। तो आप लोगों को प्लीज 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 देखना, आप मिस नहीं कर सकते। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, हम दोनों की तरफ से और भाग्य लक्ष्मी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो Thank you.